वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। इसके दो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको भेजे थे पीडीएफ के थ्रू। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर है, उसकी जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है आपको ये बताना है। तो करने के लिए मुझे एक क्वाड्रिलेटर बनाना पड़ेगा। ओके, क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी चार साइड्स होती है। मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मान लो एक डायगनल ले लेती हूँ, तो यहाँ पे ए बी सी और डी कर लेती हूँ, ठीक है। इनकी नेमिंग कर लेती हूँ, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, बिकॉज नेमिंग से क्वेश्चन इजी हो जाए। ओके, यहाँ पे लिख लिया। अगर आपने देखा होगा, मैंने एक डायगनल बनाया, तो डायगनल ये दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गई है। तो सबसे पहले मैं ये लूंगी इन ट्रायंगल ए बी डी, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ए बी डी, ठीक है। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगी एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको पता है सबको, ठीक है। अब लेते हैं एक ट्राइंगल दैट इज बीसीडी। अब ये भी एक ट्राइंगल है, इसका भी तीनों एंगल्स का सम कितना होगा आपका, दैट इज 180 डिग्री। देन यू कैन से दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें भी क्या कहेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों को मैं ऐड करूंगी, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों को ऐड करा, इक्वेशन वन एंड टू, जब इनको ऐड किया गया तो मैंने ऐसे लिखा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल सिक्स, ऐसे लिख सकते हो ना, कैसे भी एडिशन तो करना है। 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, तो एंगल 2+6 लिख लिया मैंने यहाँ पे, एंड देन एंगल 5 एंड यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख लिया। ओके, अब 180 प्लस 180 कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। चलिए अब देखिए, एंगल 1 तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखू, यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 6, ये पूरा एंगल क्या आ रहा है आपका, दैट इज एंगल बी आ रहा है। 2 प्लस एंगल 6 बी पे है, तो यहाँ पे एक बार एंगल 1 की जगह मैं एंगल ए लिख लेती हूँ। ओके, एंड 2 प्लस 6 क्या है, एंगल बी पे, देन यू कैन से दैट एंगल बी प्लस, अब इसकी बात करती हूँ, पर ब्रैकेट में ले लेती हूँ, सॉरी इसको ब्रैकेट में ले लेती हूँ मैं। ओके, और इनको भी ब्रैकेट में ले लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद एंगल 5, एंगल 5 पे कौन है, एंगल सी है, आपने एंगल सी लिख दिया। और 3+4 इस पे कौन है, एंगल डी है। ओके, तो ये 360 हो गया आपका। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्वेक्स, क्या बोला गया, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम भी कितना होगा, दैट इज 360 डिग्री। फिर उन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा, मैंने आधा लिखा क्वेश्चन, ये पूछा, एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कोई नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का कितना सम होता है। तो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का मतलब दैट इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटर, मोर देन 180 होता है ना, तो इसका दैट इज, अब हम क्या करेंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का सम बताने के लिए आप ये आप करेंगे, आप एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। ओके, तो इसको आप ज्वाइन कर, ठीक है। अब देखिए, ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो गया, अब इसका इसको नेमिंग कर देंगे, दिस इज ए बी सी और दिस इज योर डी, ठीक है। अब ये भी एक ट्रायंगल हो गया, ये भी एक ट्रायंगल हो गया, तो आपका ये सेम प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। इस ट्राइंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। इस ट्राइंगल का सम भी कितना है, 180। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी कितना हुआ, 360। इसका मतलब कनकेव, अगर आपके पास यहाँ पे कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, उसका भी जो सम होगा वो कितना होगा, दैट शुड बी 360 डिग्री। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं आप। जो इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप में से पूछेंगे। ओके, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालने पड़ती है, तो वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको इतना तो पता ही सबको कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसका जो सम है वो कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। तो अगर मैं ये देखूंगी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एटलीस्ट मुझे तीन एंगल्स का पता होगा, तो एक्स की वैल्यू मैं इजिली निकालूंगी, तीनों एंगल्स को सम करूंगी, प्लस करूंगी और 360 से माइनस कर दूंगी, तो चौथा एंगल आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे दो एंगल्स तो गिवन है, तीसरा नहीं है और चौथा भी नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन हो गई।
बट इसका मतलब क्या होता है, ये जो साइन है इसका क्या मतलब है, परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर होता है वो कितना एंगल होता है यहाँ पे 90, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना एंगल है 90 डिग्री है। ओके, तो अगर ये 90 है, सी दिस इज 90, तो मुझे अब आपको एक बात बताई थी लीनियर पेयर, ये पूरा का सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। इसका मतलब इस पूरे का सम कितना होगा 180 डिग्री, और 180 से ये वाला 90 माइनस कर दूं तो ये भी कितना होगा एंगल हमारा, इट शुड बी 90 डिग्री। समझ आया, ये पूरा लीनियर पेयर बना रहा है ना, लीनियर पेयर मतलब 180 का जब एंगल बनता है तो 180 कितना एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं आप, तो ये पूरा ये 90 है, ठीक है, और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, तो इसका मतलब ये 90, तो ये भी कितना होगा आपका 90 होगा ना, ठीक है। अब हम लेंगे x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90, अब ये तीन एंगल मिल गए, चौथा एंगल इजीली निकाल लूंगी, प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ आपका, दिस शुड बी 130 प्लस 90, दैट इज 130 प्लस 90 कितना हुआ, 220 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 220 प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, ये लीनियर पेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है हमेशा दिमाग में रखना है आपको। तो x कितना हुआ 360 माइनस 220, अब माइनस कर दीजिए इसको, ये जीरो, और 6 में से 2 गए, दिस इज 4, 3 में से 2 गए 1, तो ये जो एंगल होगा कितना होगा आपका, शुड बी 140। वो सबको ऐड करके देख लेना आप, 360 ही आना चाहिए। अगर आपका एंगल यहाँ पे जैसे 140 आया है तो आपका सम 360 नहीं हो रहा चारों एंगल का, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, आपने गलती कर दी है। तो हम भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये कितना हुआ 130, और 130 प्लस 90 दैट इज 220, या सही है। उसके बाद 0, 6 में से 2 गए 4 एंड 3 में से, हाँ सही है। ओके, तो आप इसको ऐड करके देख लेना, ये कितना होगा आपका, इट शुड बी 360 डिग्री। यस, अब इस टाइप का क्वेश्चन आया, एक्स की वैल्यू निकालने, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहाँ पे कितने एंगल्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 एंड यहाँ पे अंदर 4 और ये 5। ओके, तो यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे ए ले लेती हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, चलिए यहाँ पे ए ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, बी ले लेती हूँ एक बार, ठीक है। अब ये कितने एंगल्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। जो पेंटागन होता है, पेंटागन के 5 एंगल्स होते हैं, तो 5 एंगल का कितना सम होता है, दैट इज 540। समझ आया, पेंटागन है ना, देयर आर 5 एंगल्स, तो पेंटागन के 5 एंगल्स है, 5 एंगल का कितना सम होगा, दैट इज 540। तो इसका मतलब हमें ये दो एंगल्स तो पता ही नहीं है, ठीक है, अगर ये दोनों एंगल्स पता चल गए तो मैं एक्स की वैल्यू इजिली निकाल सकती हूँ। तो वो ही देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरे का सम कितना होगा, That is 180 degree, linear pair है, तो linear pair से मैं 180 से 70 माइनस करूंगी तो ये एंगल आएगा, 180 से 60 माइनस करूंगी तो एंगल बी आ जाएगा, ठीक है, फिर मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एंगल ए प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू, जैसे ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो क्या रीजन दोगे, लीनियर पेयर। ओके, चलिए तो यहाँ पे ए रहने दीजिए, 180 माइनस ये उधर गया तो ये कितना हो गया, 70 हो गया, 0, 8 में से 7 गए 1 और यहाँ पे 1, तो इसका मतलब जो एंगल ए हुआ हमारा वो तो कितना आया हमारे पास, इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब मुझे ये एंगल निकालना है, वो करने के लिए सेम एंगल बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो इट मींस दैट 0, 8 में से 6 का 2 और ये 120, तो ये कितना हुआ, एंगल बी कितना है हमारा 120 डिग्री। अब क्वेश्चन इजी हो गया हमारा, तो चलिए अब हम करते हैं, ये कितना हुआ आपका, यहाँ पे एक बार कर रही हूँ, तो ये कितना हुआ, 30 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एंगल ये अभी जस्ट निकाला 110 प्लस 120, तो ये किसके इक्वल है, 540, क्योंकि पेंटागन के 5 एंगल्स का सम कितना होता है, 540, ठीक है। अभी x प्लस x कितना हुआ, 2x हो गया, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 120 110 और 30, तो ये कितना हुआ, 6 एंड इट्स 260, तो ये 260 हो गया इज इक्वल्स टू 540, और यहाँ पे कितना हुआ, 2x इज इक्वल्स टू 540, और ये प्लस का साइन तो लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 260।
चलिए इसका टू एक्स हो गया जीरो, तो ये कितना हुआ एट, यहाँ पे एट हो गया ना यहाँ पे जीरो, और ये फोर्टीन में से सिक्स गए दिस इज एट, और यहाँ पे फोर में से टू गए टू, तो ये कितना हुआ आपका टू एक्स कितना हुआ दैट इज 280 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालनी है 280 बाय टू, यू कैन से दैट टू वन जे टू, टू फोर जा एट जीरो, तो ये एंगल कितना होगा, सॉरी दिस क्वेश्चन, ये एंगल कितना होगा इट शुड बी 140 डिग्री, पर ऐसे लिख रही हूँ ऊपर लिख रही हूँ, और ये भी कितना होगा 140 डिग्री, बिकॉज हमारे जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या है इक्वल है, एक्स और एक्स है तो इतना 140 डिग्री होगा। एक बार इसकी कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, दैट इज या ठीक है कैलकुलेशन सही है ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार यहाँ पे अभी इतना तो पता चल ही गया आपको, आपको अभी देखिए अब मुझे क्या है, मुझे ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना बाहर ट्रायंगल के इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो वो देखो कैसे निकालूंगी। अब ये 90 ये लीनियर पेयर है, पूरे एंगल का सम कितना होगा दैट इज 180 डिग्री, तो ये देखिए 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या रीजन देंगे लीनियर पेयर, और ये एक्स की वैल्यू कितनी हुई 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, तो ये भी 90 आ जाएगा। अब इसकी बात करूं तो एक बार मैं इसकी बात करती हूँ तो ये सेम एंगल z प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या रीजन देंगे हम लीनियर पेयर एंगल्स, पूरे का सम तो 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 30, देन यू कैन से दैट पाई 150, ये 150 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे ओके। अब आपको इतना पता है कि यहाँ पे ये कितना हो गया आपका दिस इज 90 डिग्री, ये कितना हो गया आपका x प्लस 90 या z प्लस 30, और ये जो y है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें अब ये दो एंगल्स का सम पता है, तो अगर मुझे ये तीसरा एंगल मिल जाए तो मैं y की वैल्यू इजीली निकाल पाऊंगी ठीक है ना, क्योंकि मुझे अंदर वाले एंगल्स पता थे बट ये वाला अंदर का एंगल मुझे नहीं पता है ठीक है। तो ये कितना हुआ 90 प्लस 30, अब मैं यहाँ पे एंगल यहाँ पे ए ले लेती हूँ एक बार ठीक है, प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों ट्रायंगल्स के सम का सम कितना होता है एंगल्स के साथ दैट इज 180 डिग्री, तो ये कितना हुआ 120 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए कितना हुआ 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना है हमारा ये कितना आया 60 डिग्री आ गया। तो अगर मुझे पता है ये 60 डिग्री तो y कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 60 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल y की वैल्यू कितनी हुई 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, समझ आया आपको ठीक है। तो आपको ये जो क्वेश्चंस है सिंपल से क्वेश्चंस है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये अच्छी तरह करिए, कोई भी डाउट होता तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करिए ठीक है, क्योंकि हमारे जो अच्छे वाले चैप्टर से अलजेब्रा वाले वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, फिनिश कंप्लीट करवा दिए मैंने, तो यही चैप्टर बचे हैं और ये भी आपके शायद एक दो दिन में खत्म हो जाएंगे ठीक है, तो उसके बाद हम रिविजन करवाएंगे अच्छी तरह। थैंक यू।